हरा भरा नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने बोगनविलिया के प्लांट्स में आप देखिए कितनी फ्लावरिंग हो रही है। और आपके साथ मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिनसे आप अपने बोगनविलिया में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। दो टिप्स हैं दोस्तों, सिर्फ ऐसे दो टिप्स हैं जिसकी वजह से बोगनविलिया में खूब फ्लावरिंग होती है। बाकी की जो नॉर्मल बातें हैं वो आपको पता ही होंगी, जो कि आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं, कि इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड हो, इसको सनलाइट पूरी मिले और टाइम पर इसको खाद वाद मिलती रहे। ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जो सभी को पता है, इनके ऊपर मेरा कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है अभी आपको मैं बताऊँ इन चीज़ों के बारे में। जो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बोगनविलिया में फ्लावरिंग लेने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि उन दो चीज़ों को करने के साथ आपके बोगनविलिया फूलों से भर जाएंगे जैसे आप ये देख रहे हैं। वो चीज़ मैंने इस पर अप्लाई नहीं की है दोस्तों, देखिए आप ही के लिए खासतौर से वीडियो बनाई है कि वो दो चीज़ें मैंने इस प्लांट पर अप्लाई नहीं की और आप देखिए इस पर फ्लावरिंग नहीं हुई है। पुराने 6 महीने पुराने फ्लावर भी ऐसे ही टिके हुए। तो वो क्या दो टिप्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों। उससे पहले आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ये डबल वैरायटी का एक मेरा वाइटिश पिंकिश प्लांट, इसमें भी फ्लावरिंग खूब होगी, दबा के फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो दो टिप्स जिसकी वजह से आप अपने बोगनविलिया पर खूब फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये मेरी एक बोनसाई है, ऑरेंज कलर का बोगनविलिया, फ्लावरिंग शुरू हो गई है, इसमें भर जाएगा ये। तो दोस्तों वो जो दो टिप्स हैं, सबसे पहला टिप है कि बोगनविलिया को प्रूनिंग बहुत पसंद है। जैसे ही इसके फूल आए आप उनके फूलों को एंजॉय कीजिए, फूल झड़ जाए तो प्रूनिंग कर दीजिए, हार्ड प्रूनिंग कीजिए, सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए, अपने हिसाब से जो आपने प्लांट को शेप देनी है। प्रूनिंग का एक तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो प्लांट है वो शेप में रहेगा। दूसरा जो बोगनविलिया में खास बात यह है कि जो नई शूटिंग निकलती है, जो नई ब्रांचेस निकलती है, फ्लावरिंग भी उसी पर होती है। अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो पत्ते आते रहेंगे, लंबी लंबी टहनियाँ निकलेंगी, फ्लावरिंग उसमें भी होगी लेकिन बहुत समय के बाद जब वो ब्रांच अपनी एक लिमिट तक पहुंच जाएगी। तो पहला टिप तो मेरा ये है कि आप इसकी प्रूनिंग कीजिए, फ्लावरिंग आ जाए, ख़त्म हो जाए, झड़ जाए, प्रूनिंग कर दीजिए, इसको बढ़ने मत दीजिए। एक तो बेनिफिट ये होगा कि आपका प्लांट शेप में रहेगा, बोनसाई की लुक ले लेगा, आप बोनसाई बना सकते हैं उससे, परफेक्ट प्लांट है फ्लावरिंग बोनसाई के लिए बोगनविलिया। दूसरा टिप ये है कि इसको ज़्यादा बड़े पॉट में ना लगाएं और इसकी रीपॉटिंग जो है वो आप अवॉइड करें करीब 2-3 साल तक, क्योंकि इसको रूट बाउंड होना पसंद है। जैसे जैसे ये रूट बाउंड होता रहेगा, प्लांट मैच्योर होता रहेगा, इसकी रूट्स प्लांट के पॉट के अंदर फंसेंगी और प्लांट को ये फीलिंग आएगी कि मैं क्योंकि अब ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अपने आप को रिप्रोड्यूस करना है। तो ऐसे में प्लांट्स की टेंडेंसी होती है कि वो फ्लावरिंग इंड्यूस करते हैं और फ्रूटिंग इंड्यूस करते हैं। सिमिलरली बोगनविलिया में भी जैसे जैसे प्लांट रूट बाउंड होगा, छोटे पॉट में होगा, इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा आएगी और ये अपनी ग्रोथ को रोक देगा, क्योंकि जड़ों को जगह नहीं मिल रही है ग्रो होने के लिए, इसलिए प्लांट भी ग्रो नहीं करेगा। लेकिन प्लांट नहीं ग्रो करेगा इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट रुक जाएगा, आपका फ्लावरिंग देगा। तो जब आपको लगे कि अब लिमिट हो गई है, आपको लगता है कि अब प्लांट का पॉट चेंज करना ही पड़ेगा, उसी कंडीशन में करें, हर साल तो बिल्कुल ना करें। ये देखिए एक मेरा ये वाइट कलर का बोगनविलिया बहुत खूबसूरत है, बोगनविलिया बोनसाई की शेप इसको दी हुई है, फूल ही फूल भरे पड़े हैं और ये पूरी तरह से रूट बाउंड है, करीब 6 साल से ये इसी पॉट में है। मैं सिर्फ ऊपर से थोड़ी सी इसकी गुड़ाई करता हूँ और दैट्स ऑल। ऊपर से गुड़ाई करने से इसकी जो छोटी छोटी रूट्स हैं वो न्यू इंड्यूस होती रहती है। इसी तरह ये कुछ प्लांट्स मैंने अपने नीचे रखे हुए हैं, ये भी जो मेरे बोगनविलिया हैं बहुत पुराने हैं, 25-30 साल पुराने हैं और एक ही पॉट में लगातार 6-7 साल से रखे हुए हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके साथ मैं ऐसे ही टिप्स शेयर करता रहूँगा दोस्तों। तब तक हरे भरे रहिए, खुश रहिए।